साथ अन्याय अत्याचार करने वाले को फांसी देना होगा, देना होगा, देना होगा। यानी सत्ताई को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। अरे यूपी सरकार हाय हाय, हाय 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 हाय। अरे मोदी सरकार हाय हाय, हाय 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 हाय। अरे यूपी सरकार हाय हाय, हाय 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 हाय। मोदी सरकार हाय हाय, हाय हाय हाय। दलित बहुजनों पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। दलित आदिवासी बहुजनों पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मनीष सत्ताई को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यूपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आकर बात करो, बात करो, बात करो। वरना कुर्सी खाली करो, खाली करो, खाली करो। सत्ताई को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। मनीष सत्ताई के सम्मान में, मनीष सत्ताई के सम्मान में, दलित और सारे बहुजनों के सम्मान में। बहुजन समाज पार्टी नागपुर जिले की ओर से जो निदर्शन आंदोलन हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हाथरस में जो हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि पर जो गैंगरेप हुआ और उसकी निर्मम हत्या हुई है और अभी तक आरोपियों को फांसी की सजा हुई नहीं है, इस विषय को लेकर बहुजन समाज पार्टी मैदान में संघर्ष करने के लिए केवल नागपुर में ही नहीं तो पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश में अब संघर्ष करने के लिए तैयार है। मीडिया के माध्यम से हम लोगों को ये जानकारी हासिल हुई कि काफ़ी समय तक तो पुलिस गैंग रेप या बलात्कार की केस कई दिनों तक वो नहीं लगाई थी, लेकिन जब बहुजन समाज का जन सैलाब संघर्ष करने के लिए पूरे देश में उतरा तो बड़ी मुश्किल से वो केसेस दर्ज हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ के डीएम ने, वहाँ के पुलिस प्रशासन ने जब रात के 2 बजे परिवार के बिना अनुमति के मनीषा ताई को जब जला दिया, यानी कि सारे सबूतों को एक षड्यंत्रबद्ध पद्धति से मिटाने का काम किया, और जो बीजेपी सरकार है उत्तर प्रदेश में वो आरोपियों को बचाना चाहती है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने तो ये मीडिया के माध्यम से इस बात को सामने लाया है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो योगी जी वो उत्तर प्रदेश का शासन चलाने लायक नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, और राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। पूरा बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में हम लोग तब तक संघर्ष करेंगे जब तक ये चारों आरोपियों को फांसी ना हो जाए। साथियों, ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये वर्णवादी जातिवादी मानसिकता की विचारधारा की पार्टी है, और इसलिए इनके शासनकाल में केवल महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश में ही नहीं तो पूरे भारत के सभी राज्यों में जाति के आधार पर अन्याय अत्याचार बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। ये जो केंद्र सरकार है ये बहू बेटियों की इज्जत सुरक्षित रखने में नाकामयाब रही है, इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार को राष्ट्रपति ने बर्खास्त कर वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। लेकिन हम जातिवादी मानसिकता के जो लोग हैं उनको हम लोग ये आगाह करना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से पूरा सर्वजन समाज अब संघर्ष करने के लिए बड़े पैमाने पे तैयार हुआ है, और आने वाले समय में सर्वजन समाज
बहुजन समाज जागरूक होकर उत्तर प्रदेश में पांचवी बार अपनी सरकार बनाने जा रहा है। जब जब उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार रही तब तब लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर तरीके से लागू हुआ। आप लोगों को मालूम है कि बहन जी की पहली सरकार 3 जून 1995 में पहली सरकार में 1,45,000 सारे गुंडा माफिया जातिवादी वर्णवादी जितने भी माफिया लोग थे सबको जेल में डालने का काम किया। लेकिन बीजेपी तो ये गुंडों की पार्टी है, ये गुंडों को टिकट देने का काम करती है। बहुजन समाज पार्टी की ये मांग है कि उन चारों आरोपियों को फांसी होनी चाहिए और सरकार ने पूरे देश में उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर उसको अच्छे तरीके से लागू करनी चाहिए। देश में उत्तर प्रदेश में बहु बेटियों की रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। अगर वो नैतिक जिम्मेदारी नहीं निभा सकती है तो वो सरकार को भी राज्य में देश में शासन करने की कोई अधिकार नहीं है। हम अपने पार्टी के तरफ से यही जताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है वो जातिवादी मानसिकता की सरकार है। इसलिए जब से योगी की सरकार वहाँ पर आई है निश्चित तौर पर दलितों पर बहुजनों पर अन्याय अत्याचार बढ़े हुए हैं। आज दलितों के साथ में वहाँ सुरक्षितता नहीं है, हमारी बहू बेटी के साथ में अन्याय अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहे, मर्डर हो रहे, इस तरीके की घटना हो रही है। दिल्ली में निर्भया का केस हुआ था तो सारा मीडिया और सारा सरकार इकट्ठा हो गया था, लेकिन दलित के साथ में अन्याय अत्याचार बलात्कार होता है तो पूरी तरीके से सरकार कोशिश करती है उस केस को दबाने के लिए। हम दबने नहीं देंगे, हम इस आवाज़ को बुलंद रखेंगे और न्याय देने तक हम सरकार के साथ में लड़ते रहेंगे, यही मैं कहना चाहूँगा। बहुजन समाज पार्टी आज पूरे देश के अंदर में ये आंदोलन कर रही है कि बहुजन समाज के दलित शोषित बेटियों के ऊपर जुल्म जाती ना ही बीजेपी के सरकार में हुई है तो कांग्रेस के सरकार में भी ये जुल्म जाती अन्याय अत्याचार हो रहा है। साथियों, ये बात मैं आप लोगों को खास तौर पर बताऊंगा कि हाथरस के अंदर में मनीषा वाल्मीकि इसके ऊपर बर्बरता जो हुई है और ये बर्बरता के कारण वहाँ के पुलिस प्रशासन, वहाँ के SDM, DM, पुलिस कमिश्नर इन्होंने FIR नोट न करते हुए उस घटना को रातों रात अंजाम देकर वो बॉडी को परिवारजनों को न देते हुए पेट्रोल जलाकर जला दिया। ये बहुत ही विवंडनापूर्वक घटना है और इसलिए भारत के संविधान में ये कहा है कि ऑल इंडियन चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर कंपलसरी एंड मैंडेटरी एजुकेशन, ये होते हुए ये भारत देश की बीजेपी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो दे रही है, खोखला नारा दे रही है, मगर इस भारत देश के अंदर में हमारी बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। भारत देश के प्रियम्बल के अंदर में लगा कि राष्ट्र के अंदर में व्यक्ति की प्रतिष्ठा समाविष्ट की गई, लेकिन भारत देश अखंड राष्ट्र एकता के साथ में आज खड़ा नहीं है। इस देश के अंदर में ये जो मनीषा के ऊपर जुल्म जाती हुई है और ये जुल्म जाती हुई तो उसका न्याय, उस परिवारजनों को न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के अंदर में और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। ये BJPY की जो गुंडागर्दी चालू है, स्वर्णवादी व्यवस्था जो चल रही है, आज 70 साल इस संविधान को होने के बावजूद भी इस भारत देश के अंदर में समता स्वतंत्र बंधुता न्याय के आधार पर सरकारें नहीं चल रही है, इनको हमें बर्खास्त करना राष्ट्रपति से यही मांग है। बहुजन समाज पार्टी नागपुर जिला के तरफ से जो UP सरकार में हाथरस में घटी घटना का निश्चित दर्शाने के लिए बहुजन समाज पार्टी नागपुर जिला की टीम महिला आघाड़ी या संविधान चौक में हम निश्चित दर्शाने आए हुए हैं। हमारी बहुजन समाज पार्टी नागपुर जिला के तरफ से ये मांगनी है कि यूपी सरकार में जो घटना घटी वो जो मनीषा ताई को न्याय मिलना चाहिए और वो जो चार आरोपी है उनमें उनको फांसी की सजा होनी चाहिए और जो यूपी सरकार में जो गुंडा शासन है वो गुंडा राज को बर्खास्त करके वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो, ऐसी बहुजन समाज पार्टी की मांगनी है। BJP गवर्नमेंट है तो रात भर में नोटबंदी हो जाती है, रात भर में सरकार बदल जाती है, जहाँ देखो वहाँ अपनी मनमानी तानाशाही। ये तानाशाही कब तक चलेंगी इनकी, हमेशा तानाशाही कब तक चलेंगी, कब तक ये ऐसा ही काम करते रहेंगे, रातों रात जला दिए। संविधान ऐसा कुछ है कि नहीं है, बस यही के बस वो जिसने भी अत्याचार किए उसको फांसी होनी चाहिए।
बहुजन समाज पार्टी आज पूर्ण देशभरामध्ये आंदोलन करत आहे आणि मनीषाला न्याय मिळवण्यासाठी ज्या प्रकारे ह्या प्रशासनाने चाल खेळली आहे की रातोरात त्यांना 2 वाजता जाळलेलं आहे आणि तितकाच प्रशासन म्हणजे पोलीसही सुद्धा त्याच्यामध्ये गुन्हेगार आहे. जितका योगी आहे जितका मोदी आहे तितकाच म्हणजे हा पोलीस प्रशासनसुद्धा आहे. त्यांच्या मीडियाच्या लोकांना त्यांनी पहिले जाऊ दिलं नाही, दुसऱ्या दिवशी पहिल्या दिवशी धक्काबुक्की केलं, त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी त्या मीडिया तिथपर्यंत पोहोचलेला आहे, त्यांच्या परिवाराशी तो मीडिया बोललेला आहे, त्यांची जानकारी घेतलेली आहे. मला एवढंच म्हणायचं आहे जेव्हा एक हरण मरते त्यावेळेस तुम्ही खूप पेपरबाजी करता आहे, मीडिया सामोर आणता आहे, सरकारला सामोर आणता. इथे एका महिलाचा जीव जात आहे, महिलांवरती बलात्कार होत आहे, त्यांना म्हणजे तुम्ही त्यांना न्याय देऊ शकत नाही. सर्वात पहिले ही मनवादी सरकार आहे हे उत्तर प्रदेशमधून नष्ट झाली पाहिजे. जेव्हा आमच्या बहुजन समाज पार्टीची सत्ता होती तेव्हा कधी कोणत्या महिलांवरती अन्याय अत्याचार झालेला नाही आहे हे लक्षात ठेवा. कारण आम्हाला फक्त मनीषा नाही, सगळ्या मनीषाला तर आम्हाला न्याय मिळालाच पाहिजे आणि सगळ्यांना फाशी झाली पाहिजे आणि सगळ्या महिला उत्तर प्रदेशच्या ह्या जागृत झाल्या पाहिजे आणि सुरक्षित राहिलेल्या पाहिजे. योगी योगी करते आहे, ढोंग करते आहे, यांनी आपलं ढोंग बंद करावं, मुख्यमंत्र्याचा राजीनामा पद देऊन द्यावं आणि त्यांनी आम्हाला न्याय मनीषाला न्याय मिळावा हे त्या प्रशासनाकडून आमची मागणी आहे. आणि बहुजन समाज पार्टी जोपर्यंत न्याय मिळणार नाही तोपर्यंत संघर्ष करत राहील. अभी देखा जाए तो सभी तरफ जो सरकार है यूपी सरकार वो मनुवादी सरकार स्थापित करना चाहती है, लोकशाही को नष्ट करना चाहती है, बाबा साहब के दिए हुए विचारों को ये ख़त्म करना चाहती है. और बहुजन समाज पार्टी अन्याय अत्याचार इस पर लड़ा देने के लिए सक्षम है. महिलाओं पे क्या है तो किसी को भी अन्याय होते हुए नहीं देख सकती. जिस यूपी सरकार में अभी अन्याय हो रहे हैं ये कौन सी सरकार चला रहा है कि जिसके कारण महिलाओं में अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है. तो हमारी मांग यही है कि जो जिस महिला पे मनीषा नाम की जो लड़की है वाल्मीकि है उस पर जो अन्याय हुआ है, उसके परिवारों के ऊपर जो अन्याय हुआ है उनको सजा मिलनी चाहिए. यही हमारी मांग है.